आज जो गज़ल हम पढ़ रहे हैं उसका तीसरा शेर है कि नए हम चु अकले दाना चीन, नए हम चु नफ्से पुर ज़कीन, नए रूहे हैवाने ज़मीन, तू जाने जानी मी रवि। एक दो बातें तमहीद में अर्ज कर दूं जो शायद पहले ना आई हों, वो ये कि मौलाना की शायरी सूफियाना शेर की रिवायत में की गई है, तो मौलाना के अशआर से मानी अक्स करने का निज़ाम सूफियाना होगा, क्योंकि अल्फाज में या सिंपल बयान में मानी अपनी आज़ाद और न्यूट्रल हालत में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये फिर कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिससे उन आज़ाद या उमूमी मानी में तख़सीस का अमल जारी किया जाता है। तो जैसे इसमें हर लफ्ज़ जो है वो अपनी एक आज़ाद मानवीयत रखता है, लेकिन ये कि ये लफ्ज़ किस रिवायत में तख्लीक होने वाले बयान का हिस्सा है उससे उस लफ्ज़ के मानी की तख़सीस और तायीन और तहदीद हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मानी को किसी बयान से अक्स करते वक्त उसकी मानवीयत के निज़ाम को जो है वो आगे रखना पड़ता है कि मानवीयत का एक निज़ाम है जो आज़ाद मानी रखने वाले लफ्ज़ों से तश्कील शुदा बयान के मानी में क़तियत और तहदीद और तख़सीस पैदा करता है। तो मौलाना का बयान चूँकि एक बड़े ज़हन की शमूलियत के साथ भी है, एक बड़े क़ल्ब की शमूलियत के हमराह भी है, तो इसमें मानी की तकरीबन तमाम दस्तियाब जहतें सर्फ होती हुई महसूस होती हैं। यानी मौलाना को पढ़ते वक्त आला दर्जे का फ़लसफियाना जहन भी तस्कीन पाता है, एथिक्स में गहरी रसाई रखने वाला जहन भी तशफ़ी हासिल कर लेता है। गरज ये कि मानी बनने के जितने भी असालीब जहन में हैं, मजमूई जहन में, उन तमाम असालीब की नुमाइंदगी अमली तौर पर मौलाना के कलाम में होती हुई दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन चूँकि ख़ुद मौलाना तसव्वुफ़ की रिवायत से अमली ताल्लुक़ रखते हैं, कल्बी ताल्लुक़ रखते हैं, ज़हनी ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनके मुतकल्लिम होने की रियायत से मुतकल्लिम ही जौहर मानवीयत होता है। अपने बयान का असल माना ख़ुद मुतकल्लिम होता है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो मौलाना ख़ुद चूँकि एक रिवायत के मरकज़ी नुमाइंदे हैं, तो उस बुनियाद पर उनके कलाम को पढ़ते हुए सूफियाना अंदाज से मानी निकालना लाजिम हो जाता है। तो इनके यहाँ मानी की तश्कील का अमल माबादु तबीई है, नंबर वन। नंबर टू, सूफियाना है, यानी वो किसी सूफ़ी थीम का बयान है। और नंबर थ्री, अखलाकी है। तो अखलाकी भी अपने माबादु तबीई दरोबस्त के साथ, यानी अखलाकी इन मानों में है कि एक इंसान को एक
इंसान में एक मेटाफिज़िकलिटी दरियाफ्त करके फिर अख़लाक़ी मज़ामीन बयान करना। तो ये अख़लाक़ जो हैं वो माबादुत्तबीईपन रखने वाले वजूद के अख़लाक़ हैं। कोई लिबरल सेकुलर और कल्चरल शख्सियत के अख़लाक़ नहीं हैं। यानी अख़लाक़ ही से पता चलता है कि आपका तसव्वुर इंसान क्या है। तो क्योंकि मौलाना का तसव्वुर इंसान मेटाफिज़िकल है, नॉस्टिक है और सूफियाना है, तो उनके अख़लाक़ की भी मानवियत या उनके अख़लाक़ी मानी का तज़िया, तहसीन और तहलील का हर अमल तसव्वुफ़ ही के दायरे में होगा। और अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे और मौलाना पर किसी और डिसिप्लिन का बोझ ला देंगे और किसी और अंदाज से उनके बयान के मानी मुतायन करने की कोशिश करेंगे तो हम कलाम के ज़रूरी फ़हम से दूरी इख्तियार करेंगे। तो क्योंकि शेर के फ़हम के क़वानीनो ज़वाबित बयान की दीगर किस्मों से कुछ इम्तियाज़ भी रखते हैं, क्योंकि शेर में लफ्ज़ का इस्तेमाल बयान की दीगर अक्साम में लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुख्तलिफ भी होता है। तो शायरी में मानी की तश्कील के अमल में कैफियत, जज्बा, एहसास ये सब अपने गैर कतई पन के साथ शरीक रहते हैं। तो इस वजह से मफहूम शेर निकालने में आपकी ज़हनी इस्तेदाद के साथ साथ ज़ौकी समाई का भी इम्तिहान होता है। मतलब शायर जो होता है वो फ़हम और ज़ौक़ के फ़ासले को ख़त्म करता है। तो इन मानों में मैं कह रहा हूँ कि अगर हम मौलाना को उनकी रिवायत से निकाल कर समझने की कोशिश करेंगे तो उस शेर में मानी खेजी के जितने ज़हनी और हिस्सी और तख़ीली इम्कानात हैं, उस शेर का मीनिंग स्ट्रक्चर और उस शेर की जो पैशन वाली जेहत है उन दोनों से दूर जा पड़ेंगे और हम गोया मौलाना के मुकाबले में एक मुतवाजी मुसन्निफ की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। तो वो भी हो सकता है शायरी के मुताले में मुतवाजी मुसन्निफ की हैसियत इख्तियार कर लेना कोई ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं, यानी शायरी को जन्म देने वाली बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं जहाँ पर मुतवाजी मुसन्निफ़ की हैसियत इख्तियार कर लेना बदज़ौकी है, बददियानती है। तो इन मानों में हम कह रहे हैं कि जैसे इस शेर में अक्ल का लफ्ज़ आया, नफ्स का लफ्ज़ आया, रूह हैवानी का लफ्ज़ आया और जान या जाने जान का लफ्ज़ आया। अब ये सब अल्फाज इल्म की कई रिवायतों में मुश्तरक हैं बुनियादी इस्तिलाहात की हैसियत से, कि अक्ल फ़लसफ़े में भी एक बड़ी इस्तिलाह है, तो अक्ल मंतिक में भी एक बड़ी इस्तिलाह है, तो अक्ल नफ्सियात में भी एक बड़ी इस्तिलाह है। मतलब ये कि शऊर का इंसान बहैसियत शऊर और इंसान बएतबार वजूद का तज़िया करने वाले जितने भी उलूम हैं उन सब उलूम में ये इस्तिलाहात मुश्तरक हैं और मरकज़ी हैसियत रखते हुए उन उलूम में मरकज़ी हैसियत की हामिल होते हुए मुश्तरक हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अक्ल की अहमियत फ़लसफ़े में ज़्यादा हो और मिसाल तौर पे सोशियोलॉजी में कम हो। ये अक्ल जिस इल्म में आई है वो एक बुनियादी और मरकज़ी इस्तिलाह के तौर पर आई है,
यही सूरत नफ्स और रूह हैवानी और जाने जान सब की है। तो अब हम ये तो कर सकते हैं कि इन बुनियादी इस्तिलाहात को समझने के लिए दीगर उलूम में भी झांक कर देखें, उनसे भी मदद हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन उन उलूम में मुरव्वज मानी को हम सिर्फ एक बड़े सूफियाना मानी की तामीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स ही बना सकते हैं, उनको ऐसी कतईयत नहीं दे सकते कि अक्ल की सूफियाना ताबीर उससे मुतासिर हो जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बाज़ लोग अपने अनाड़ीपन में ये फैसला करने में जल्दी कर देते हैं कि कलाम तो यानी बात अक्ल के सूफियाना तसव्वुर पे हो रही है, और वो उसे जज करने लगते हैं अक्ल की फ़लसफियाना ताबीर से। तो ये नाइंसाफ़ी है, मतलब ऐन मुमकिन है कि अक्ल और नफ्स वग़ैरह की सूफियाना ताबीरात जो हैं वो फ़लसफ़ों नफ्सियात में इन इस्तिलाहात के मुतदाबिल मानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। ठीक है ना, उलूम के डिसिप्लिन इसीलिए बनते हैं, उलूम का डाटा मुश्तरक होता है, नताइज मुख्तलिफ होते हैं। तो ये उलूम में कसरत इसी वजह से पैदा होती है कि एक इल्म में किसी एक इस्तिलाह का मतलब शऊर की तमाम ज़रूरतों और वजूद को पूरा नहीं करता और वजूद की तमाम हालतों पर सादिक नहीं आता। ठीक है ना, तो यानी हर इल्म को दूसरे इल्म के साथ एक फ़ासला, बल्कि तहकीरी और तरदीदी फ़ासला तक रखने की पूरी इजाज़त है। वाज़े है ना, यानी एक सूफ़ी इसका पूरा हक़ रखता है कि वो किसी फ़लसफ़ी के तसव्वुर अक़ल का मजाक उड़ाए, और इसी तरह ये भी ठीक है कि एक नफ्सियातदान पूरा हक़ रखता है कि वो किसी सूफ़ी के की ताबीर नफ्स पर हंसे। ठीक है ना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मानी की कैटेगराइजेशन करने वाली रिवायतों को मद्देनज़र रखते हुए या मानी की जनरेशन की गिवन ट्रेडिशन को नज़रअंदाज करके हम एक इंतशार तक तो पहुंच सकते हैं, किसी जहनी क्रिस्टलाइजेशन तक नहीं। ठीक है ना, तो ये जहन में रहे। और शेर, क्योंकि शेर पढ़ने का तरीक़ा आना चाहिए, तो शेर में मानी यानी शेर के मफहूम के बनने का अमल, यानी शेर के समझे जाने के अमल में सिर्फ अल्फाज से फौरी तौर पर निकलने वाले मानी कारामद नहीं होते। शेर के मफहूम बनने के अमल में बहुत सी चीज़ें कारफरमा होती हैं। एक तो उन अल्फाज के बारे में आपका इल्म, उन अल्फाज के का मानवी तनव्वो, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में उन अल्फाज की मानवियत, और इसके साथ साथ शेर का क्राफ्ट, उस क्राफ्ट का यानी शेर जिन लफ्ज़ों से जिस तरह बना है, यानी शेर की बनावट और साख्त का तज़िया किए बग़ैर महज़ लफ्ज़ों से बरामद होने या बरामद हो सकने वाले मफहूम पर रुक जाना शेर फहमी का नक्स है। यानी शेर में मानी में ये चीज़ भी बहुत शामिल रहती है कि ये लफ्ज़ी रियायतें हैं, ये अल्फाज की मुनासिबतें हैं, और इसका क्राफ्ट आपको बहुत कुछ समझा देता है, बहुत कुछ बावर करवा देता है, इसके मानी को जहन में जगह देने के लिए बहुत से रास्ते आपको
सुझा देता है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें शेर के मफहूम पर असरअंदाज होती हैं, तो इसी वजह से शेर में मफहूमी तायीन यानी शेर में मफहूम की फिक्सिटी बुरी चीज़ है। यानी शेर जितना फिक्स्ड मफाहीम को बयान करता है उतना वो अपनी टेक्निक, अपने फ़नी दरोबस्त या अपने तख़ीली स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से मानी के इम्कानात को भी आपके अंदर रियलाइज़ करवा देता है। तो शेर मौजूद मानी और मुमकिन मानी का मजमूआ होता है, ठीक है ना। तो और इस शेर पढ़ना अगर सीखना हो तो मेरा मशवरा है कि उर्दू तनकीद में एक नाम ऐसा है कि अगर आपकी कुछ चीज़ें तवज्जो से पढ़ें तो शेर खानी और शेर फहमी के आदाब सीख जाएंगे। ज़रूरी तरीन आदाब वो हैं शम्सुर्रहमान फारूकी। इनका मतलब मेरे मुताले की हद तक जदीद तनकीद में कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं है जो शेर को मफहूम करने के अमल की तमाम तफसीलात और ज़रूरियात पर गहरी नज़र रखता हो। और इनकी जो किताब है, ख़ास तौर पर एक किताब, वो शेर शोरंगेज़, वो मीर का इंतखाब भी है और उस इंतखाब की ज़रूरी शरह भी है, मुजमल शरह है। तो वो इस सिलसिले में बहुत रहनुमाई कर सकती है। और क्योंकि मैं तो मीर को उर्दू का सबसे बड़ा शायर अपने लड़कपन से मानता हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है कि मीर को सबसे बड़ा शायर मानकर उसके शेर से अपने बस भर महजूज होने के बावजूद और बड़े बड़े मीर शनासों बल्कि मीर परस्तों की सोहबत में रहने के बावजूद मुझे बहुत से पहलू नहीं मालूम थे जिनकी बुनियाद पर मीर उर्दू का सबसे बड़ा शायर है। वो पहलू पहली मर्तबा फारूकी साहब ने अपनी किताब शेर शोरंगेज़ में उजागर किए। तो ये पहले आदमी हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया कि शेर की तहसीन के लिए लाजिम है कि हम उसके क्राफ्ट और उसकी सन्नाई के कमालात और उसके फ़न्नी दरोबस्त और उसमें अल्फाज की रियायतों और मुनासिबतों को भी समझने के लायक हों। तो ये काम फारूकी साहब ने बहुत बड़ा किया है और इसी वजह से मीर को समझने के लिए मुझे तो यूँ लगता है कि क़्यामत तक शेर शोरंगेज़ की मोहताजी रहेगी। तो उससे तरह से कुछ देख लें, कुछ नहीं बहुत, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने मतलब सिर्फ इतना ही नहीं साबित किया कि मीर सबसे बड़ा शायर इसलिए है कि वो सबसे बड़ा सन्ना है, वो सबसे ज़्यादा कुदरत रखता है लफ्ज़ों पर, सिर्फ इतना नहीं साबित किया। हालांकि ये साबित करना भी उनसे पहले इसका चलन नहीं था कि मीर की अज़मत को साबित करने के लिए उनकी फ़नकारी और क्राफ्ट्समैनशिप को दलील बनाया जाए। ये काम तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन इस किताब के कुछ मुकद्दमात हैं, तफसीली मुकद्दमात। उन मुकद्दमात को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको अपनी शेरियात की समझ आ जाएगी। शेरियात कहते हैं शेर के वो उसूल व ज़वाबित जिनकी पाबंदी किए बग़ैर शायरी किसी तहजीब में वजूद में नहीं आती। यानी कि उस मुकद्दमे में शायरी और तहजीब का ताल्लुक
और हमारी शेरियात की मतलब यूँ समझें कि इल्मी जमालियाती और तहजीबी तश्कील के सारे अमल को जिस महारत और जितनी सहूलत से बयान कर दिया गया है वो चीज़ उर्दू तनकीद में कहीं भी नज़र नहीं आती। तो इन दोनों का अपनी शेरियात को समझना है और अपनी शेरियात के तहजीबी असासियात को जानना है तो भी नागुज़ीर है कि शेर शुरंगेज़ का मुताला किया जाए। इंशाल्लाह किसी वक्त मैं तफसील से फारूकी साहब के इस कारनामे पे गुफ्तगू करूँगा। इसकी तहसीन जैसी के चाहिए थी वैसी हमारे यहाँ नज़र नहीं आती, तो उसका कफ़ारा अपने बसभर अदा करने की कोशिश करूँगा। तो खैर, अब ये हमने देख लिया कि एक मर्द कामिल अपने अहवाले तकमील को एक कॉस्मोलॉजिकल डोमेन में सैर कर रहा है, यानी एक कामिल इंसान अपने मरातबे कमाल को कायनाती इस्तिलाहों में कायनाती फ़ज़ाओं में सैर कर रहा है। वो मतलब कोई नया कमाल हासिल नहीं कर रहा बल्कि अपने मौजूद कमालात को एक कायनाती सियाक़ो सबाक में मुतहर्रिक रखने का सामान कर रहा है। ठीक है ना, तो कमाल अनफुस में साकिन होता है और आफाक में मुतहर्रिक हो जाता है। तो ये कमालाते वजूद के अनफुसी सुकून के साथ उसके आफाकी तहर्रुक को दिखा रहा है। ये ख़ुद ही इतना बड़ा आइडिया है कि आदमी को दंग कर दे। ठीक, तो यहाँ मीरवी का मतलब है हरकत कर रहा है, तू हरकत कर रहा है, तू हरकत में, तू बातिनी सुकून के साथ कायनात को अपने कमालात से हम आहंग रखने के लिए मुतहर्रिक है। ये इस गज़ल का पूरा वो है। तो आप इस पस मंज़र में देखिए कि ये कह उसको बता रहे हैं, मतलब उसके बारे में कह रहे हैं कि तू सिर्फ अक्ल नहीं है, तू सिर्फ नफ्स नहीं है। अब ये इंसान ही की फैकल्टीज़ हैं ना, इन फैकल्टीज़ से खाली इंसान मुमकिन नहीं है। तू सिर्फ रूहे नबाती नहीं है, यानी तू सिर्फ रैशनल बीइंग नहीं है, तू सिर्फ साइकिक बीइंग नहीं है, तू सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है। ठीक है, यानी इंसान की तारीफ जिन ज़रूरी अज्ज़ा से की जाती है उन अज्ज़ा का इनकार किए बग़ैर उन अज्ज़ा से बनने वाले मजमूए पर इस आदमी को मुनहसर नहीं दिखा रहे। यानी कामिल आदमी कौन है, जो आदमियत की जबरी कंडीशन से बुलंद हो जाए। कमाल हमेशा शय को अपने आप से बुलंद होकर मुयस्सर आता है। अगर वो अपने उसूलों क़ुयूद में रह जाए तो उसकी तकमील मुमकिन नहीं है, क्योंकि कमाल के लिए ज़रूरी है अपने से गैरियत इस्टेब्लिश करना, अपने से एक मुतसर्रिफाना गैरियत इस्टेब्लिश किए बग़ैर कमाल का कोई इंसानी वर्जन मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, चीज़ें मेरे अंदर रहकर नाकिस रहती हैं और चीज़ें मुझसे बुलंद होकर ख़ुद भी कामिल होती हैं और मेरी भी तकमील करती हैं। ठीक है ना, तो इन मानों में ये कह रहे हैं।
तो तू ये भी नहीं है, तू नफ्स भी नहीं है, तू रूह ज़मीनी भी नहीं है, तू तो जाने जा है। और अपने इस पोटेंशियल और अपनी इस हैसियत के साथ हरकत में है। वाज़े है नहीं बात। अब अगर हम इनमें से इन लफ्ज़ों को बस ज़रा ज़रा सा खोल दें तो इंशाल्लाह इस शेर का मजमूई मफहूम सामने आ जाएगा। तो पहले तर्जुमा कर लेते हैं कि तू दाना चुगने वाली अक्ल की तरह नहीं है, तू बुग्ज़ और कीने से भरे हुए नफ्स की तरह नहीं है, तू ज़मीन में ज़िंदगी पैदा करने वाली रूह नबाती की तरह नहीं है। रूह की कुछ किस्में हैं ना, तो उसमें सबसे निचली किस्म को कहते हैं रूह नबाती, ठीक है ना, जो बायोलॉजिकल सतह है, कि तू रूह नबाती नहीं है, तू तो जाने जा है और हरकत में है। ठीक, और मतलब ये फ्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त है, तू जाने जानी नी रवि। इस पे अगर आप कॉमा ना लगाएं कि तू जाने जानी कॉमा मी रवि, कि तू जाने जा है, और क्योंकि मी रवि रदीफ है तो वो रदीफ के तौर पे आ गया यहाँ पर और खप भी गया, लेकिन अगर इसे कॉमा लगाए बग़ैर पढ़ें तो बहुत पुरलुत्फ है। तू जाने जानी मी रवि, कि तू जान की जान है मुतहर्रिक रहते हुए, तू जान की हैसियत से हरकत वजूदी में है, ठीक है ना, हरकत वजूद का नाम है, तो तू तेरा मर्तबे वजूद जाने जा है और तेरा सारा ऑर्डर ऑफ बीइंग जिस हरकत पे चल रहा है वो रूहानी है, बल्कि रूहानी दर रूहानी है, और वो इम्पर्सनल हालत में रूहानी है, यानी तू आशिक है और महबूब का महबूब है। जाने जा का मतलब है कि तू आशिक भी है और अपने महबूब का खुद महबूब भी है, तू तालिब भी है और मतलूब भी है। तो अपनी इन दोनों हैसियतों को एक नुक्ते वजूदी में ज़म करके अब तेरे वजूद की हरकतें अपना इजहार, तेरे वजूद की हरकत अपना इजहार कर रही है, अपना इतलाक कर रही है। तो अक्ले दाना चीन, आप देखें कि नफ्स अक्ल और रूह इनको इजाफतों के साथ इस्तेमाल किया है। तो मुजाफ़ इलैह बनाया जाए तो उसमें एक गरज होती है, उसमें एक मकसद होता है, यानी इजाफत किसी एक कैरेक्टर पे इजाफत लगा दी जाए तो उसका मतलब होता है कि उसके मानी को मुतायन रखा जा रहा है, यानी उसको उसमें मौजूद तमाम मानी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। तो अब ये कह अक्ले दाना ची कह के ये कह रहे हैं कि मैं अक्ल की एक खासुल ख़ास जहत की तरफ इशारा करके उस अक्ल की तुझसे नफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह नफ्स और इसी तरह वो। तो अक्ल को दाना ची क्यों कहा है, यानी अक्ल में दाना चीनी का एलिमेंट है, उसका क्या मतलब है, यानी दाना चुनना दाना चुगना, ये बहुत सादा है कि अक्ल महसूसात से तसव्वुरात तश्कील देती है, अक्ल महसूसात की एब्स्ट्रैक्शन करती है, ठीक है ना, यानी दाना वो जो मुशाहदे में है, हवास में है, तजर्बे में है, अक्ल महसूसात के डाटा को प्रोसेस करके उससे मुजर्रद तसव्वुरात की तश्कील करती है, अक्ल जुज़ियात से पे काम करके कुल्लियात को तामीर करती है, अक्ल पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाती है,
ठीक है ना, अक्ल महसूस से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है, ठीक है ना, ये अक्ल का एक उमूमी अमल है। तो उसी उमूमी अमल की रूह से ये अक्ल को ख़िताब दे रहे हैं कि दानची है, यानी अक्ल का अब यहाँ ये मतलब है कि जो जुज़ियात से कुल्लियात का इस्तेंबात या इस्तेखराज करती है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या है कि यूनिवर्सल को पर्टिकुलर पर अप्लाई करना, वो भी अक्ल करती है, लेकिन वो यहाँ मुराद नहीं है। यहाँ मुराद है पर्टिकुलर को यूनिवर्सलाइज करना, ठीक है ना, महसूस को माकूल बनाना। तो तू हवास पर दारोमदार रखने वाली अक्ल नहीं है, तू यानी तू ऐसा अक्ली वजूद नहीं है जो अपने हवास का पाबंद हो, और तू वो नफ्स उस नफ्स की तरह भी नहीं है जो कीने से भरा हुआ है, जो बुग्ज से छलक रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तू तेरी बुलंदी अक्ल की बुलंदी की तरह नहीं है, और ना तुझ में कोई ऐसी पस्ती मौजूद है जो नफ्स की पस्ती से मुनासिबत रखती हो। तेरी बुलंदी अक्ल की बुलंदी से ज़्यादा है, और तुझ में वो पस्ती है ही नहीं जो नफ्स का खासा है, लिहाजा तू इनसे मुस्तगनी और बेनियाज है, ठीक है ना। तो और नए रूह हैवान ज़मीन, और ना तू ज़िंदगी के किसी खुदकार निज़ाम के नतीजे में जन्म लेने वाला वजूद है, यानी ना तू कोई बायोलॉजिकल एंटिटी है। तो तू वजूद कामिल है, तू मर्द अकमल है, तू जो है वो इन नकायस से पाक है जो हमें मजबूर करते हैं कि हम कभी इंसान को अक्ली वजूद कहें, कभी नफसियाती वजूद कहें, कभी हयातियाती वजूद कहें। तू इंसान होने की इन तीन ज़बरदस्ती की कंडीशन से ख़ुद को बेनियाज कर चुका है, ठीक है ना। तो अब अक्ल, नफ्स और जिस्म, रूह हैवान ज़मीं का मतलब है कि तू सिर्फ जिस्म नहीं है, ठीक, तू सिर्फ जहन नहीं है, तू सिर्फ तबीयत नहीं है, वाज़े है ना ये बात। तो तू क्या है, तू इन तीनों से मावराई और बेनियाजी हालत में जाने जा है, इसको समझने की कोशिश करें। इससे एक तो ये पता चल जाता है कि इंसान की हकीकत तबीई नहीं है, मेटाफिज़िकल है। इंसान की हकीकत अक्ली नहीं है, रूहानी है, ठीक है। इंसान की हकीकत जिस्मानी नहीं है, शऊरी है, मतलब मुख्तलिफ बातें आप कहते चले जाएं। तो अब ये कह रहे हैं कि इंसान की मजमूई हकीकत अगर अक्ल वगैरह के इम्कानात में, अक्ल वगैरह के अल्फाज में नहीं समाती, तो आखिर वो क्या है, उसे किस लफ्ज़ से ज़ाहिर किया जाए। वो लफ्ज़ है जान, ठीक, पहले जान को समझें फिर जाने जान को समझें। तो जैसे शेर पूरा मफहूमी और अहवाली दोनों सतहों पर खुल जाए। अच्छा, जाने जान को समझने की कोशिश करने से पहले, या उस कोशिश को नतीजा खेज बनाने के लिए एक उसूल है, वो बयान करता हूँ कि पहले तो बिल्कुल क्रूड हालत में बयान करता हूँ कि हर सल्ब यानी निगेशन
ایجاب ہے یعنی افرمیشن ہے، ہر نہیں ہاں ہے۔ اگر ذرا سا اس نہیں کو کھولو گے تو اس میں سے ہاں نکلے گی، اور اسی طرح ہر ہاں نہیں ہے، یعنی ہر نہیں کے لیے ہاں ضروری ہے اور ہر ہاں کے لیے نہیں لازمی ہے۔ اس سے گویا علم کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور وجود کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنے جاننے کی حالت میں بھی اسی اصول پہ چلتا ہوں اور اپنے ہونے کی حالت میں بھی اسی اصول پر رہتا ہوں کہ جو نہیں ہے وہ کسی ہے پر ختم ہوتی ہے اور جو ہے وہ کسی نہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں اس کو اپلائی کیا ہے مولانا نے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یعنی عقل چاہتی ہے کہ نفس نہ رہے، عقل اپنے ایجاب کے لیے نفس کے سلب کا تقاضا کرتی ہے، نفس اپنی افرمیشن کے لیے عقل کی نگیشن کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں مشترک ہیں اس تقاضے میں کہ روح نباتی سے انہیں منسوب نہ کیا جائے۔ یعنی نفس روح نباتی کے سلب پر ہے اپنے ایجاب کے لیے، عقل کے انکار پر ہے اپنے اس بات کے لیے۔ تو یہ تینوں جو ہیں ان تینوں کا مجموعہ انسان ہے نا، تو انسان کے وجود اور شعور دونوں میں سلب اور ایجاب کا یہ انٹر ایکٹیو عمل جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس وجود میں یا جس ذہن میں سلب و ایجاب کی اس طرح کی جبری انٹر ایکشن ہو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کمال کہتے ہیں کرسٹلائزیشن کو، سمجھئے نا، کمال کہتے ہیں نظام ازداد سے بلند ہو کر کرسٹلائز ہو جانے کو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیونکہ یہ اس کے کمال کا اس بات کر رہے ہیں، لہذا انسان کے وجود اور شعور میں برپا ایک معرکہ ازداد سے اسے بلند دکھا رہے ہیں۔ یعنی انسان نفس ہونے کے لیے مجبور ہے کہ عاقل ہو، انسان عاقل ہونے کے لیے مجبور ہے کہ روح حیوانی کا حامل ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ایک دوسرے کی نفی کا تقاضا کرتی ہے، یہ اپنے اپنے تقاضوں سمیت اگر انسان میں کار فرما نہ ہوں تو اس میں وجودی اور ذہنی نقص پیدا ہو جائے گا، یعنی خرابی پیدا ہو جائے گی، وہ نارمل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں یعنی کہ ناقص الوجود کے وجودی اور شعوری اسٹرکچر سے تو بلند ہے، یعنی یہ سب ناقص الوجود کو بنانے کے لیے ہے یہ سارا نظام۔ اس سارے نظام کی پروڈکٹ جو وجود ہے وہ ناقص رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کامل وہ کمال اس کل کو کہتے ہیں جس کے اجزا ہم معنی اور ہم حال ہوں، جس کے اجزا میں تضاد کی نسبت نہ ہو، جس کے اجزا میں وجودی دوئی کے بیریئرز نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کہتے ہیں کمال۔ تو کیونکہ وہ کامل ہے لہذا اس پورے جو ڈائلیکٹیکل یا اس کو جو بھی نام دے دیں اس پورے تضاداتی عمل سے بلند ہے۔ ٹھیک۔ دوسری جو وہ میں بھول رہا ہوں، اب ابھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ دوسرا پہلو ایک اور ہے، ہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں جو کچھ موجود ہے اس پہلی بات کی بنیاد پر ہے یہ بات، کہ یہاں جو کچھ موجود ہے
या जो कुछ मालूम है वो ड्यूअलिटी के साथ है, यानी ड्यूअलिटी के बग़ैर, सन्वियत और दुई के बग़ैर यहाँ ना कुछ मौजूद है ना कुछ मालूम है। यानी कि रात मालूम है तो दिन ज़रूरी है, ठीक है ना, अच्छाई मौजूद है तो बुराई लाजमी है। यानी अच्छाई कोई हाल के तौर पर रखी नहीं जा सकती बुराई के हवाले और इम्कान के बग़ैर, ठीक है ना। तो इंसानी परसेप्शन हो या इंसान के होने की हालत हो, दोनों सूरतों में ड्यूअलिटी एक बाइंडिंग कानून है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ड्यूअलिटी में कमाल मुमकिन नहीं है, दिन नाकिस है तो रात वजूद रखती है ना, अच्छाई अधूरी है तो बुराई मौजूद है ना, ठीक है ना, ये नक्स है, नक्स पे दलालत करती है। तो उस लेकिन वो ड्यूअलिटी क्योंकि जहन और वजूद दोनों की एक मुस्तकिल कंडीशन है, इसके बग़ैर कोई जहनी और वजूदी पर्सपेक्टिव कायम ही नहीं हो सकता, ठीक। तो लिहाजा उसको इस्तेमाल तो किया है लेकिन उसके इस्तेमाल में भी उसको एक वहदत का मज़हर बनाया है, उसकी दुई को बरकरार नहीं रहने दिया। अब आप समझे ना, जैसे बीज और पेड़ की दुई है लेकिन बीज और पेड़ की दुई वहदत में ढली हुई है, फॉर्म और रियलिटी की दुई है, ये दुई एक ख़ास पर्सपेक्टिव में वहदत का इस्तियारा है, ड्यूअलिटी का मज़हर कम है, ठीक है ना। कि जहाँ ड्यूअलिटी वजूदी चाहे जहनी रह जाए, वजूदी ना रहे, इस मंजिल तक पहुँचे बग़ैर कमाल हासिल नहीं होता। यानी कमाल एक कुल है जिसके अज्ज़ा में आपस में कसरत है लेकिन वो अपने वजूद में वाहिद हैं, यानी जिसके अज्ज़ा अपने फहम में, अपनी फहरिस्त में कसीर हैं लेकिन अपनी मौजूदियत में वाहिद हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ जाने जानी उस ड्यूअलिटी ही पर है कि तू जान की जान है, तू रूह की रूह है, तो यहाँ एक रूह में इंटरनल ड्यूअलिटी पैदा कर दी ना। अब एक पहला कदम ये उठाया कि यहाँ ड्यूअलिटी इंटरनल है, यहाँ ड्यूअलिटी एक्सटर्नल है, ठीक है, उसको मध्यम किया, ठीक है ना। क्योंकि अगर ड्यूअलिटी एक्सटर्नल है तो वजूदी है और इंटरनल है तो वजूदी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको इस तरह से वो किया ना, तो अब इसमें दिखा, इसमें वही नस्बत है जो पेड़ और उससे फूटने वाले दरख्त में होती है कि तू जाने जानी, जान किसे कहते हैं, मैं एक ताबीर करता हूँ, वो शायद पहले कदम पे मुश्किल हो लेकिन उसे खोलेंगे। जान कहते हैं असले वजूद को, यानी मौजूद होने का, वजूद का पूरा जंगल जिस एक बीज से उगा है उसे जान कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप ये है कि क्योंकि वजूद शऊर पर मुकद्दम है, यानी शऊर वजूद का खासा है, वजूद शऊर की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। तो इसको अगर हम इसको नज़र में रखें कि वजूद शऊर पर मुकद्दम है, होना जानने और समझने पर तकद्दुम रखता है, सबकत रखता है, यानी
वजूद असल है और शऊर उसकी एक लाजमी फरा या जो भी कह लें, असल वजूद और शऊर में असलियत शऊर को हासिल है, असालत बल्कि कहना चाहिए, प्रिंसिपियलिटी, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे इस, अब इससे ये मतलब निकला कि पूरा निज़ाम वजूद और पूरा आलम शऊर दो नज़र आने के बावजूद जिस एक असल पर उस्तवार है, उस असल का नाम जां है, ठीक। जां कहते हैं हयात महज को, रूह मुतलक को, वो रूह मुतलक जिसका तज़िया भी नहीं किया जा सकता, जो वहदत महज है, ठीक है ना। तो उस रूह मुतलक से वजूद और शऊर दोनों के दायरे अपने इम्तियाज, लेकिन हम असली के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं जान। अब इसमें एक डुअलिटी निकाली है कि जाने जान, ये डुअलिटी है ना कि जान की जान, इसका क्या मतलब हुआ। ये हमारी रिवायत में एक रूह आला है, एक सुप्रीम सोल या सुप्रीम स्पिरिट है, बाकी सब अरवाह यानी बाकी सारे सब्सटेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस उसके मज़ाहिर हैं, ठीक। आप समझें, अब ये बहुत मेरा ख्याल है कि आसान है कि एक रूह, रूह को या जां को उसी मानी में लें जो मैंने अर्ज़ किया। अब उस मानी में लेते हुए ये समझें कि हमारी जो ऑन्टोलॉजी है यानी मेटाफिज़िकल ऑन्टोलॉजी जो है, वो ये है कि एक रूह आला है यानी सुप्रीम स्पिरिट या डिवाइन स्पिरिट, ठीक है, बाकी तमाम अरवाह यानी वजूद के निज़ाम को उसके इम्तियाजात और कसरत के साथ चलाने वाले तमाम सब्सटेंसेस उस रूह आला से डेराइव्ड हैं, उनका मसदर हकीकी वही रूह आला है। यानी हम सब अरवाह हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, और हमारी तमाम अरवाह एक ही रूह से सादिर हुई हैं, ठीक है ना। तो ये ज़हन में आ गया ना कि रूह आला और उसके सादिरात, उसके मज़ाहिर, उससे डिराइव्ड अरवाह, ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखिए क्या इम्तियाज, इस लिहाज से तो हम सब जाने जा हैं, हम सब उस रूह के मज़ाहिर हैं, जिंदा मज़ाहिर, ठीक है ना। इसमें इन्होंने उसका इम्तियाज़ ये पैदा किया कि हम उसके मज़ाहिर होने के बावजूद नाक़िस हैं, क्योंकि हमारी अरवाह पर्सनल हैं, हमारी अरवाह इनफ़िरादी हैं, हमारी अरवाह एक कसरत के दरोबस्त के साथ हैं। हम सब अरवाह हैं, लेकिन हमारे रूह होने से हमारी कसरत साबित होती है, हमारी वहदत इस्टेब्लिश नहीं होती। यानी हमारी ज़हनी वहदत तो निकल आती है, लेकिन हमारी वजूदी कसरत ज़ायल नहीं होती, ठीक है ना। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक ही रूह से निकले हैं, लेकिन ये समझ की सतह पर है। हम अपनी कोई वजूदी शहादत ऐसी नहीं रखते कि हम वजूदन भी एक हैं, हम वजूदे वाहिद हैं, ये शहादत हम नहीं रखते, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम वजूदे वाहिद हों तो हमारी इनफ़िरादियतें बिला जवाज हो जाएंगी, हमारी इनफ़िरादियत गैर हकीकी हो जाएगी, ठीक है, वाज़ह है नहीं बात।
तो अब इसमें वो इम्तियाज़ ये रख रहे हैं कि वो रूह आला जिससे सारा आलम अरवाह सादिर हुआ है, उस रूह आला से तेरी निस्बत आम आदमियों की तरह नहीं है, बनी नौए इंसान की तरह नहीं है, दीगर तमाम मौजूदात की तरह नहीं है, उस निस्बत में भी एक इख्तिसास है, वो निस्बत भी सिर्फ़ तुझे मुयस्सर है। और वो निस्बत क्या है कि यहाँ रूह आला वाहिद रहते हुए अपने मजहर को भी वाहिद बनाती है। अब आप समझे ना कि रूह आला में दो औसाफ हैं, मिसाल के तौर पे दो औसाफ हैं, एक उसका असले वजूद होना, ठीक है ना, ये वाज़े है, या असले मौजूदात होना, और दूसरी उसकी वहदत। तो उसकी जो असालत है उसका असले वजूद होना तो उसके मज़ाहिर में मुंतकिल हो जाता है, उसकी वहदत अपने मज़ाहिर में मुंतकिल नहीं होती। तू वो है कि जिसमें उसने अपनी वहदत को भी मुंतकिल कर दी। अब आप समझे ना, तो तू वो जाने जा है, यानी कि जिस तरह हम सुप्रीम स्पिरिट को जा कहते हैं, सुप्रीम स्पिरिट का तेरे अंदर वो ज़हूर है कि तुझे भी सुप्रीम स्पिरिट कहना रवा है, गोया रवा है। तो अब रूह आला और अरवाह में निस्बत गैरियत की है, और जाने जा में यानी ऐ मर्द कामिल रूह आला के साथ तेरी निस्बत ऐनियत की है, यानी हमारी जो निस्बत रूह आला के साथ है उसमें गैरियत वजूदी है और वहदत इल्मी है, यानी कि गैरियत गालिब है, वहदत मगलूब और ऐनियत आइडेंटिटी मगलूब है। तू वो है कि तेरी मजहरियत में ऐनियत गैरियत पर गालिब है, यानी गैरियत ख़त्म नहीं हुई, तभी तो तू जाने जा है ना, तभी तो डुअलिटी का ये सीगा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन रूह आला के साथ तेरी निस्बत में गैरियत जो है मगलूब है और ऐनियत गालिब है, जबी तुझे वाहिद के सीगे में कहा जाता है। तो कमाल है, ये गोया एक इलाही मर्द कामिल है जिसने अल्लाह के साथ निस्बत में गैरियत को ऐनियत से मगलूब कर लिया है, हर मौजूद को हकीकत आला से गैरियत और ऐनियत दोनों की निस्बतें हासिल हैं, लेकिन बाकी का हाल ये है कि वहाँ गैरियत ठोस है और ऐनियत तसव्वुरी है। तेरे साथ ये है कि तेरी और उसकी गैरियत तसव्वुरी है और ऐनियत ठोस है। कमाल है, कमाल है। तो अब आप समझ गए ना कि तू तसव्वुफ़ में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि सैर इल्लाह माअल्लाह। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की तरफ चलना अल्लाह ही को लेकर, अल्लाह ही के साथ अल्लाह की तरफ चलना। तो सैर इल्लाह माअल्लाह की ये पूरी तस्वीर कशी है कि तू हरकत नक्स से कमाल की तरफ होती है ना, मुस्बत हरकत, लेकिन एक हरकत होती है जो कमाल के इजमाल से उसकी तफसील की तरफ होती है, वो कमाल की अंदरूनी हरकत होती है। तो ये हरकत भी उस तरह की है कि वो कामिल है ना जो अल्लाह के साथ है,
अब वो अल्लाह के साथ होते हुए अल्लाह की तरफ हरकत में है, बस ये पूरा तसव्वुर इसका है, ठीक है ना। इसमें कुछ रियायतें हैं लफ्जी, वो देख लीजिए कि अक्ल और नफ्स की गोया एक पूरी माहियत बयान हो गई है। वो क्या कि अक्ल का किरदार प्रोडक्टिव है, ये जितना लेती है उससे ज़्यादा लौटाती है, ये थोड़ा लेकर बहुत सा बना दिखाती है। तो ये दानाची हैं कि दाना तो छोटे से छोटे यूनिट का नाम है ना, कि ये दाना लेकर जंगल उगा देती है। और नफ्स का किरदार तखरीबी है, अक्ल का किरदार तामीरी है, नफ्स का किरदार तखरीबी है। की कहते हैं उस बुक्स को जो जंग पर आमादा कर दे, की फारसी में जंग को भी कहते हैं, कीना। तो जैसे कीना परवर होने का मतलब है झगड़ालू होना, तो झगड़ा या जंग या तसादुम नफ्स में तखरीब की नीयत से होता है। तो ये की और दाना ची से ये रियायत, जैसे उनकी माहियत का ये इम्तियाज जाहिर कर दिया। तो इसी तरह रूहे हैवाने ज़मीन और जाने जान में एक वो है नस्बत है, एक रियायत है, तजाद की रियायत है। यहाँ भी तजाद की रियायत है, यहाँ भी तजाद की रियायत है। और ये भी मतलब एक अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप है ना, कि तजाद की रियायत पहले मिसरे में जिस तरतीब से आई है दूसरे में भी उसी तरतीब से आई है, ठीक है ना। तो यहाँ ज़मीन का लफ्ज़ लिख दिया, यहाँ आसमान का लफ्ज़ महजूफ है कि तू ज़मीनी नहीं है, तू आसमानी है, तू मेमार है, तू गिराने वाला नहीं है, तू सुधार वाला है, बिगाड़ वाला नहीं है, तू पस्त नहीं है, तू बुलंद है, तू ज़मीनी नहीं है, तू आसमानी है। तो ये शेर है।